हर हर महादेव, जय आयो हो, जय आयो हो, हर हर महादेव। ओ फाइनली मेरा आखिरी मंदिर, आखिरी धाम बद्री विशाल, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। सो आप लोगों को पता है कि कल मैं पहुंच चुका था बद्रीनाथ, सो अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। बट अभी मैंने नहाया नहीं है, उधर गर्म कुंड है वहीं पे जाके मैं नहाऊंगा ऐसा सोच के मैंने नहाया नहीं। सो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर नहा के पूरा एकदम अच्छे तरीके से दर्शन करूंगा। बाकी मेरे एक कपड़े जो है वो बैग के अंदर है। सो लेट्स गो बद्रीनाथ पे चलते एंड मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ, मैं भी दर्शन करता हूँ, आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा, मेरे लिए भी करूंगा और सबके लिए करूंगा। चलो लेट्स गो। अभी मंदिर जाने के लिए पूरा तैयार हो चुका हूँ और इधर देख सकते हो सुबह सुबह का वेदर, इधर ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, क्या बताओ यार। अभी मैं जाऊंगा गर्म कुंड में नहाने के लिए, वहां पर नहाऊंगा एंड उसके बाद दर्शन करूंगा। यस लेट्स गो, जय बद्री विशाल। पूरा मंदिर के पास आ चुका हूँ पूरा साइकिल लेके और उधर देख सकते हो उधर है मंदिर, जय बद्री विशाल। चलो अभी मैं पूरा आ चुका हूँ और उधर है मेरा साइकिल और इधर है मंदिर और अभी नहाने जाऊंगा। अभी वहां पर नहा के मंदिर पे दर्शन करूंगा, इधर देख सकते हो उधर गर्म कुंड है ना, वहां पर मैं मस्त नहाऊंगा और वहां से नहा के सीधा मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाऊंगा, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। आ चुका हूँ गर्म कुंड के उधर, इधर देख सकते हो सारे लोग नहा रहे हैं, अभी मैं भी जाके नहाऊंगा। देख सकते हो यह है पूरा गर्म कुंड भाई, इधर से पूरा गर्म गर्म हवा आ रही है भाई, बाहर इतना ठंड है और अंदर ऐसे हवा आ रही है ना, पूरा गर्म गर्म हवा आ रही है अंदर से, ये पूरा गर्म कुंड है। अभी मैंने नहा लिया है और नहा के मैंने अपना जो है ड्रेस भी चेंज कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, मुझे जो है माइक यूज करना पड़ रहा है। आपको वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी माइक यूज नहीं किया। इधर बहुत ही ज्यादा लोग है ना, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है, इसके कारण मुझे माइक यूज करना पड़ा। जो है प्रसाद भी ले लिया है, अभी प्रसाद चढ़ाऊंगा और दर्शन करूंगा एंड उसके बाद जो है मैं साइकिल ऊपर लेके जाऊंगा। अभी जो है मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ बद्री विशाल का। 1 2 3 जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। ये जो है ना चार धामों में से एक धाम है, दूसरा धाम है केदारनाथ। मेरे दो धाम कंप्लीट हो चुके और दो धाम बाकी है, बाकी वो मैं बाद में करूंगा और मेरा दो धाम कंप्लीट हो गया। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। ओ फाइनली मेरा आखिरी मंदिर, आखिरी धाम बद्री विशाल, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। देख सकते हो मैंने दो दो प्रसाद ले लिया आप लोगों के लिए और मेरे लिए, जय मां विश्वेश्वरी, जय आया हूं। ये हम लोग पूरा दर्शन के लिए लाइन पे लगे हुए हैं, मतलब आज बहुत ज्यादा लोग हैं भाई, इतने लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, कनाडा से आए भाई। आप लोग भी दर्शन कर लो, जय श्री बजरंग बली। हर हर महादेव। अभी यहाँ से मैं लगा रहा हूँ,
अभी पूरा मेरा दर्शन हो चुका है, अभी मैं साइकिल को जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ, साइकिल को भी दर्शन करने के लिए। सो फाइनली मेरा जो है दर्शन हो चुका है और मैंने अपने साइकिल को चल देख सकते हो। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय आयो हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली इसी तरह कंप्लीट हो जाता है मेरा पूरा साइकिल यात्रा, हर हर महादेव। मेरा जैसे ही दर्शन हो जाता है ना, उसके बाद बारिश चालू हो जाता है। बारिश हो रही है यार, क्या बोलूं यार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरा हर हर महादेव से कमेंट बॉक्स भर दो, हर हर महादेव। देख सकते हो ये है नारायण पर्वत और ये है नर पर्वत। अभी दिख नहीं रहा है अभी फॉग के कारण, और उसके बीच में हमारे बद्री विशाल है नर पहाड़ और वो है नारायण पर्वत और उसके बीच में हमारे बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। बिक गए पूरा, मुझे सामान है वो ना बिक जाए, इतना जोर से बारिश हुआ। हम लोग को इधर ही रुकना पड़ा, उधर भैया के छतरी पे रुका था और मेरा सामने का जो टायर है वो आज जाके पंचर हुआ है। मैंने हवा भराया था थोड़ी देर पहले, फिर से चला गया, पंचर हो गया इसका। भाई इसने मुझे इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, क्या बताऊँ। ये मेरा दोस्त है ना, ये मुझे यहाँ तक साथ दिया, लास्ट तक, अभी तक साथ दे रहा है मेरा भाई। अभी पूरा दर्शन करके आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। जहाँ पर कल खाया था ना, उधर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। उधर का खाना इतना टेस्टी था, क्या बताओ यार, मैं उधर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है यार। यहाँ पर ना पैसे देखे भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता जहाँ वहाँ पर मिला मंदिर पे। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं फिर से भंडारा खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। लेट्स गो। अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर पे, ये देख सकते हो यही है मंदिर। अभी यहाँ पर बस भोजन करेंगे, भोजन खा रहे हैं सभी लोग, सो मैं भी जाके भोजन खाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा खाने के लिए आ चुका है, ये पकौड़ा और ये सब्जी और ये दाल और राइस और ये देखो पूरी और ये हलवा, देख रहे हो इतना सारा खाना है। अभी तो बस खाएंगे, और ये देखो साथ में लड्डू भी आ गया, ये देखो इतना सारा खाना। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, यहाँ का जो खाना है ना, आप पूरा उत्तराखंड घूम लो, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतने दिन से उत्तराखंड पे हूँ ना, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया, इतना टेस्टी, इतना अच्छा खाना मैंने नहीं खाया। आप लोग भी आ रहे हो ना बद्रीनाथ पे, तो इस मंदिर पे आ जाना, हनुमान मंदिर है वो, देखो वो है बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ से ये पास में ही है, इस पे आ जाना, इस पे आके आप खाना खा सकते हो। मैं तो ज़िंदगी में जब भी बद्रीनाथ आऊँगा ना, तब यहाँ पर ही खाना खाऊँगा भाई, इतना टेस्टी खाना, इतना अच्छा खाना भाई साहब, क्या बोलो यार। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, उस जगह का वीडियो जो है ना कल आएगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ उधर, एंड आज क्या क्या करेंगे वो सब मैं आज इसी ब्लॉग पे डालूंगा, जो अभी जाएंगे ना वो मैं कल डालूंगा। यार मैं क्या ही बताऊँ, मैं उत्तराखंड को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ यार, इतने दिन उत्तराखंड में, भाई मेरे 20 दिन हो चुके हैं शायद उत्तराखंड में, और यहाँ पर रहेगा ना मुझे प्यार सा हो गया उत्तराखंड से। ये देखो भाई, ऐसे आप मौसम देखोगे, ऐसे आप ब्यूटी देखोगे, पूरा पहाड़ चारों तरफ, पहाड़ ही पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, भाई ये सब तो मैं मिस करने वाला हूँ। अभी तो मैं फिर से गर्मी में एंटर करने वाला हूँ ना, तो ये सब मैं मिस करूँगा। हम लोगों के उधर भी पहाड़ है, हम लोगों को उधर भी ठंड होता है, फिर भी यार यहाँ का जो बात है ना वो अलग है, यहाँ की जो बात है, यहाँ का जो मौसम है वो अलग है। और ये है देवभूमि, जहाँ पर पहले हमारे भगवान रहते थे, यहाँ पर श्री कृष्ण भी थे, महादेव भी थे, हमारे पार्वती मैया भी थी, गणेश जी भी थे, सब थे इधर देवभूमि में, पता है उत्तराखंड में पहले सब थे। मिस करने वाला हूँ यार मैं सच में यार, अच्छा तो नहीं लग रहा है, मुझे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी क्या कर सकता हूँ, घर तो जाना पड़ेगा। अभी पूरा रात हो चुकी है और उधर देख सकते हो बद्रीनाथ टेम्पल, हमारे बद्री विशाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि अभी होगा आरती, इसके कारण मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और आप लोगों को भी आरती दर्शन कराऊंगा। ये देखो बद्री विशाल कुछ रात में ऐसा दिखता है, इतना सुंदर है ना, क्या बताओ यार,
सो अभी देख सकते हो मेरे पीछे है बद्री विशाल और रात में कुछ ऐसा दिखता है, देखो हर हर महादेव। अभी जो है अंदर आरती हो रही है, बाकी मैं अभी आरती जाके देखूंगा। देखो आरती का जोत, ये देखो आरती क्या हुआ। मैं आ चुका हूँ दोबारा उसी मंदिर पे खाना खाने के लिए। अभी पूरा शाम हो चुकी है ना इसके कारण, अभी मैं खाना खाने के लिए आ चुका हूँ। चलो खाना खाते हैं। इधर देख सकते हो पूरा खाना आ चुका है, अभी तो और भी आएगा, बाकी अभी खा लेता हूँ मैं, भूख लगा है बहुत इसके कारण। अभी खाना स्टार्ट करते हैं।